ऑल इन वन सुनील खरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह वनस्पति, यह प्रकृति और ये हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वह एक हमारे लिए उपहार है, हमारा एक जीवन चक्र का एक अहम हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है एक वनस्पति के विषय में, और वह वनस्पति इतनी अद्भुत है, इतनी बेजोड़ है कि उसका आयुर्वेद में और इसके अलावा तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में काम लिया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ दुपहरी की। ये आप जो पौधा देख रहे हैं ये दुपहरी का पौधा, इस पौधे में एक छोटी बेलरी है ये, और इस बेलरी में मांसल गूदेदार लंबा लंबा जो है हिस्सा आप देख रहे हैं ये पत्ती है इसकी, और इस जो बेलरी रूप का जो तना है उसमें ये गूदेदार पत्ती लगी हुई है, और इस पत्ती के मुखाग्र पर जो है इसमें पुष्प निकलता है, ये आप जो है पुंकेसर इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें से जो है ये पुष्प निकलता है, तो पुष्प जो है इतना मोहक और माधुर्य पैदा करने वाला होता है कि बरबसी मनुष्यों का मन जो है इस फूल की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ इस अद्भुत पौधे की, इस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति की। तो इससे जो है हम मध्य प्रदेश की बात करें तो दुपहरी के नाम से जानते हैं, और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नामों की बात करें तो इसका पोर्टुलाका या दस बजिया नाम भी प्रसिद्ध है, और इसके अलावा इसको नौबजिया फूल भी कहते हैं, नोबची भी कहते हैं, नोबची, नोबची घास कहलाती है ये, और गुल दोपहरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और ये घड़ी फ्लावर भी कहा जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश में इसे हम पोर्टुलाका भी कहते हैं, और इसके अलावा नाइन ओकला का, टेन ओकलाक फ्लावर के साथ साथ सनरोज़ और मॉस रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो पोर्टुलाका का जो बॉटनिकल नाम है वो पोर्टुलाका ग्रैंडिफ्लोरा है। इसके फूल हर रोज़ सुबह की धूप के साथ खिलते हैं और सूर्यास्त के बाद बंद होने लगते हैं। मान्यता अनुसार नोबची का फूल का पौधा घर में लगाने से धन समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है, ये एक इसका जो है ज्योतिषीय तथ्य है। लॉन के किनारे, क्यारियों, गमले, रास्ते के दोनों तरफ लगे पोर्टुलाका के पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके फूल कई रंगों में मिलते हैं। इन फूलों में लाल, ऑरेंज, क्रीम, बैंगनी, सफ़ेद, पीला, गुलाबी, गाढ़ा बैंगनी आदि कई प्रकार के होते हैं। बहरहाल हमारे इस गार्डन में लाल रंग और इस ये सिंदूरी रंग का है, ये क्या कहते हैं इसको, रोली रंग जो है इसमें स्पष्ट दिख रहा है। तो ये कुमकुम जैसा इसका रंग है, तो ये लाल रंग ही माना जाएगा, और इसके अलावा इसका ये श्वेत रंग का भी जो है बड़ा सुंदर इसमें फूल लग रहा है। इस पौधे की लंबाई 6 इंच से लेकर के 1 फीट तक होती है। इसकी पत्तियां मांसल मोटी होती हैं। ऊंचाई से डोरी में लटकने वाले गमलों में ये बहुत ही गजब के लगते हैं, और एक प्रकार के प्राकृतिक झूमर की तरह दिखते हैं जो कि बरबस हमारे मन को खींचने वाले होते हैं। पोर्टुला का किसी भी तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है, पर बलुई मिट्टी में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस गमले में लगाएं तो ध्यान रखें कि पानी ना रुके और खुली धूप मिले। धूप और सूखे में भी यह पौधा बरकरार रहता है। इस पौधे के बीज आसपास गिरते रहते हैं जिससे यह जो है पौधा ज़मीन में आने वाले समय में ये अपने आप को रिप्रोडक्ट करता रहता है, और इस तरह से इसमें रोज़ रोज़ पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयंजीवी पौधों में से हैं। तो अधिकांश जो प्रकृति के वनस्पतियां हैं वो आपके दया पर, किसी मनुष्य की दया पर निर्भर नहीं होती हैं, उनमें स्वयं जो है जीवन शक्ति होती है, और उस जीवन शक्ति के आधार पर जो है वो इस प्रकृति में आसपास छिटके रहते हैं, आसपास जो है बिफरे पड़े रहते हैं। तो ये इस तरह से जो है इनका जो स्वयंभू रूप है वनस्पतियों का, ये बहुत ही एक उनका अद्भुत गुण है। तो ये इसी तरह जो पोर्टुलाका के बीज की बात करें
तो ध्यान रखें कि बीज बहुत गहरे नहीं दबाना चाहिए ज़मीन में, 1-2 इंच खोद कर भुरभुरी कर लें और बीज फैला दें। इसके बाद मिट्टी को जो है हाथ से घुमा करके हल्का इसको मिक्स कर दें, तो इससे ये 1/2 इंच के लगभग जो है या 1-2 इंच भी जो है वो बीज इसका चला जाएगा और वो फिर अंकुरित होने लगता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूँकि दोपहरी का नाम है तो सूर्य के प्रकाश की रोशनी आवश्यक होती है, और इसके बाद आप जो है 10 से 14 दिन तक जो है पानी का स्प्रे करें, ज़्यादा पानी नहीं देना है, तो इस तरह से वो जो है अंकुरित हो जाता है और ये आपका जो है पौधा तैयार हो जाता है। अगर क्यारी में पोर्टुलाका का पौधा लगा रहे हैं तो 6 से 7 इंच के अंतर पर लगाएं। पोर्टुलाका के फूल तितली और मधुमक्खियों के लिए भी आकर्षित करते हैं, आपके बगीचे को खुशनुमा करते हैं। और इसके ज्योतिषीय अन्य उपायों की बात करें तो इसको बालकनी में लगाने से जो है कई वास्तु दोष जो हैं स्वतः दूर हो जाते हैं, तो इसका जो है आप इस उद्देश्य से भी आप इसको घर में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके औषधीय प्रयोगों की। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम न केवल औषधीय प्रयोग कर सकते हैं बल्कि हम सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो औषधीय बात करें हम तो इसमें ये सबसे बड़ा गुण है कि यदि आपको रक्त निकल रहा है और इसके जो पत्ते हैं मांसल गूदेदार बांट के लगाने से रक्त बंद होता है और घाव जल्दी ठीक हो जाता है, तो ये हुआ। इसके अलावा यदि कहीं गांठ हुई है बॉडी में और कहीं सूजन है तो उसमें भी इसका रस जो है लगाने से लाभ मिलता है। इसके सेवन को जो है शुद्ध करके खाया जाता है, इसलिए इसमें आपको चिकित्सक की सलाह लेनी आवश्यक होती है। बाकी जो ऊपरी जो इसके उपयोग हैं वो आप निसंकोच कर सकते हैं। तो इसमें कॉस्मेटिक जैसा, जैसे हम श्रृंगार सामग्री सौंदर्य प्रसाधन के रूप की बात करें तो जिस तरह से आज के इस ग्लोबल वार्मिंग के समय में जो है ऐसे पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति में जो है लोगों के त्वचा और शरीर में काफ़ी जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे जो बच्चे गौर वर्ण से पैदा होते हैं और वो आगे चल के उनके रंग दब जाते हैं और बहुत जल्दी उनकी छोटी उम्र में झुर्रियाँ दिखने लगती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नोबची के जो पौधा है इसके पंचांग को पीस करके और यदि आप बालों में लेपन करते हैं तो बालों के सभी रोगों को दूर करने में सक्षम होता है। इसके अलावा आप इसके पत्ती के पेस्ट को यदि आप अपने चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरे में जो है कांति पैदा करने वाला हो जाता है ये, और आपके चेहरे से पिंपल और अन्य जो चर्म रोग हैं झाइयाँ वगैरह जो है इनको दूर करने में बड़ा ही प्रभावी है ये। और इसके अलावा आप शरीर के चेहरे के अलावा और अन्य शरीर में भी आप इसको एक बॉडी वॉश के रूप में भी आप इसके रस को या इसके पेस्ट को इसके पंचांग को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से नोबची का पौधा जो है बहुउपयोगी है और हमारे हर घर के किचन गार्डन में, हर घर के गमलों में इसको लगाना चाहिए। और यह जो है दुर्लभ पौधा जितना वातावरण को खुशनुमा और मधुकर बना देता है उतना ही यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में घरेलू उपाय के रूप में काम आता है। तो आप सब लोग जो है अपने घर में इसको रखिए और इसके अन्य तथ्यों की जानकारी लेकर आप अपने हिसाब से सुविधाजनक समझ के इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।